ऐसा मेकअप लुक क्यों ना हो स्किन के प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक योर मेकअप लास्ट लॉन्ग इट ऑल्सो लुक्स गुड एंड सिट्स वेल ऑन योर स्किन सो दिस इज द बिफोर कंडीशन ऑफ माई स्किन आई है प्रोन स्किन और आप लोग देख सकते हो एक्ने काफी हद तक कम हो चुका है थोड़े बहुत एक्ने मार्क्स रह गए हैं सो आई बॉलिंग अ स्किन के रूटीन अकॉर्डिंग टू माई स्किन टाइप और आज का मेकअप डु और ग्लो है सो स्किन के हम लोग ग्लोई और डु रखेंगे दिसको ना हेल्प द मेकअ लुक और लॉस सबसे पहले एक माइल्ड क्लेंजर लेके मैंने अपने पूरे फेस को वॉश किया उसके बाद आई पैड्राइट माइ स्किन अपलाइड सम लिप आम ऑल ओवर माई लिप्स ना आई बी यूजिंग अ हाइड्रेटिंग टोनर कुछ दो

May include karna pasan This is an excellent ingredient to reduce acne marks and dark spots. This also helps to tighten the pores. This serum is also enriched with hyaluronic acid. This is gonna keep your skin hydrated throughout the day. This makes your skin appear brighter and radiant, which is perfect for today's look. And this serum has a non sticky, lightweight texture. Both easily skin may absorb hojata So, there are two things that I like about this product and the brand Ecologica that their products are formulated with unique water lock technology that helps to lock in the moisture. And their product comes with a blend of fruit and acne they truly understand hydration so well for indian skin so my concern was acne marks so many radiant plus serum kiya, but they also have two other serums available that is their glow plus concentrate serum this one is vitamin c papaya and hyaluronic acid this is great for dull skin dark spots pigmentation and uneven skin tone and there is hydrate plus concentrate serum which is a blend of hyaluronic acid and coconut water great for dry dull and dehydrated skin you know serums skin cohydrate acne coffee a just that according to your skin चूज द सिरम ऑफ योर चॉइस एंड यू इंटरेस्ट इन दिय प्रोडक्ट आई ऑल्सोन शालिनी ट्वेंटी कोड एंड ऑफ ऑन दर वाइट सिरमिन मेंब्सार्ब होट टूलाई सनस्क्रीन आई बीज इन रेडियंजी का अगे मॉनमस डन विद द सन स्क्रीन आई बी स्कीपिंग माइ मॉस्चराइजर बिकॉज ऑफ द सनस्क्रीन बिकॉज इज ऑल्स एक्ट एज अस्चराइजर काफी अच्छे से स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करता है so थ्री फिंगर रूल का यूज करते हुए पहले मैंने सनस्क्रीन को अच्छे से अपने फेस पे अपलाई किया स्प्रेड किया I also like to wait

ड्रॉप मैंने दोनों साइड अपने फेस पे अप्लाई किया है आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग दी प्रोडक्ट जब पूरा ब्लेंड हो जाता ना योर फेस ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अग्लेस डोनर सो दिस इज लाइक अलूमिनेटर इट्स प्रोवाइड अ विद इन ग्लो टू आर स्किन मैं लिप्स के आसपास कंसिलर यूज करूंगी और मेरे लिप्स के कॉर्नर्स ना डार्क है तो उसे कलर करेक्ट करने के लिए थोड़ा सा मैं ऑरेंज कलर करेक्टर यूज कर रही हूँ और उसे ब्लेंड करूंगी विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स अब मैं यूज करूंगी मेबरीन एजन कंसेलर इन दर शेड कैरमल आई बी मोस्टली यूजिंग दिस टू कलर करेक्ट अंडर माई आईस एंड अराउंड माई लिप्स सो आई हैव अंडर आई डार्क सर्कल्स तो उसे हाइड करने के लिए मैंने अंडर आई पे इसे अप्लाई किया ऑन बोथ साइड एंड वी शेप में लिप्स के अराउंड किया टीजो भी अप्लाई किया फिर वहाँ अप्लाई किया जहाँ पे मुझे लग रहा है की मेरे एक्ट मार्क्स प्रोमिनेटली विजिबल है बेस वेरी लाइट एंड आई पिक दिस कंसिलर शेड बिकॉज दिस इज अ ग्रेट मैच फॉर माई स्किन टोन फिर मैंने एक और कंसिलर शेड लिया है दिस इज बैक टेक कवर कंसिलर इन द शेड बर्थ दिस सिर्फ इनर कॉर्नर पे एक डॉट अप्लाई किया है मैंने जब यह कैरेमल कंसिलर के साथ मिक्स हो जाएगा ना दिस को नो प्रोवाइड राइट

इस साइड पे मुझे यहाँ पे एक डार्क स्पॉट है वहां पे मैंने कंसिलर अप्लाई किया एंड आई ब्लेंडेड दैट अगेन अंडर आई पे कंसिलर मैंने ब्लेंड करना शुरू किया एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कंसिलर को ब्लेंड जब कर रही थी एकदम लोअर आई के पास लेके मैं नहीं गई बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग आई शेडू टू डे फॉर दिसक सो अंडर आई पे जो पिगमेंटेशन है नियर माई लोअर लैश लाइन आई वॉन्ट टू यूज मेरे अंडर आई का पिगमेंटेशन एज ए लोअर लैश लाइन कलर आई होप आई एम मेकिंग सेंस यहाँ पे कंसिलर ब्लेंड करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बचा होगा मेरे ब्रश में वो मैंने आईलेट के ऊपर हल्का हल्का सा अप्लाई कर

के आगे ऑन माई चीक एरिया ऑल्सो ऑन माई नोज ऑन माई चिन एंड हल्का सा ऑन माई आईलेट एंड देन विद ऑफ अ विद्प ब्यूटी ब्लेंडर आई एम ब्लैंड ऑन माई आईलेट फर्स्ट जस्ट फॉर अ डैश ऑफ कलर ऑन माई आईलेट मैंने आईलेट पे अप्लाई किया है बट यू कैन डेफिनेटली स्किप दिस स्टेप और फिर उसी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग दी कलर कुलहर फर्स्ट सो मैं डैप डैप मोशन करके हल्का सा नीचे ड्राइ करते हुए कलर को ब्लैंड कर रही हूँ जहां पे मैं नॉर्मली कॉन्टोर करूंगी ना वहां पे मैं उस कलर को ब्लेंड कर रही हूं. फिर चीक्स पे जो मैंने कलर अप्लाई किया था दैट इज द कलर बारबी उसे मैं चीक्स पे ब्लेंड करूंगी और हल्का सा कुल्हर कलर की तरफ मैं लेके जाऊंगी दिस कॉम्ब ऑफ यूजिंग टू डिफरेंट चीक राइट काइंड ऑफ टेंट ग्लो टू द स्किन ट्रस्ट में यू हैव टू ट्राई इट और आपको लग रहा होगा की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है थोड़ा और ब्लेंड करना चाहिए था बट वंस दिस विल सेटल इन द स्किन ये हल्का लगने लगेगा तो so दूसरे साइड भी मैंने टेंट को ब्लेंड किया अपने चिन और नोज पे भी इस कलर को मैंने ब्लेंड किया अच्छे से नॉल बी यूजिंग कॉम्पैक्ट पाउडर टू सेट माई फेस अगर आपका ड्राई स्किन है ना तो आप स्टेप स्किप कर सकते हो आई एम यूजिंग दिस कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई किया हल्का हल्का साइड ऑफ माई फेस ऑफ कैमरा विद आईब्रो कॉम्बो जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ तो सबसे पहले आईब्रो कोम किया है मैंने इन दी अपर डायरेक्शन उसके बाद पेंसिल साइड यूज करते हुए आई विल स्टार्ट फिलिंग अप पार्श एरिया ऑफ माई आईब्रोज तो सामने की तरफ हल्के हल्के स्ट्रोक में, में आईब्रोज को फिल किया एंड आई ऑल्सो फिल्ड अपरिया ऑफ माई आईब्रोज एंड टू से प्राइमर फॉर योर आईलेशर आईब्रोज सो मैं अपर स्ट्रोक देते हुए अपने आईब्रोज को सेट करूंगी और आप लोग देख सकते हो किसके ब्रिस्ल ने मेरे आईब्रोज को कितने अच्छे से सेपरेट करने में मदद किया देर गोन स्टेट इन एंड लाइक दिस थ्रू आउट द डे नेक्स्ट स्टेप आई बी सेटिंग माई एंटायर फेस फॉर द अपने स्प्रे करूंगी पहले उसके बाद डेब डेब करोड मैंने अप्लाई किया है दैट केन ब्लेड इन विद ईच अदर एक डुनेस भी एड करेगा मेरे फेस पे स्पेशली दाइएस्ट पॉइंट ऑफ माई फेस दट इज माई चीक बोन एरिया माई नोज एंड नाइल बी कर्लिंग माई आई लैश विद्प ऑफ दिस आईलैश कलर बाई मिनिशो मस्कारा के लिए मैं यूज करूंगी मे बी

की मदद से रिमूव कर दिया फिर एक पेंसिल ब्रश पे मैंने सेटिंग स्प्रे यूज किया एंड आई पिक दिस गोल्डन हाईलाइटर एंड आई हाईलाइटेड इनर कॉर्नर आजकल जब मैं इनर कॉर्नर को हाईलाइट करती हूँ ना तो पूरा वी शेप पे इनर कॉर्नर को हाईलाइट नहीं करती हूँ थोड़ा सा ऊपर लेके जाती प्रोडक्ट को आई आई फील लाइक दिस काइंड ऑफ टेक्निक फेस अ लॉट जातीड दि हाईस्ट पॉइंट ऑफ माई फेस दैट इज माई ब्राउन एंड ऑल्सो द टिप ऑफ माई नोस और फिर मैंने फिंगर की मदद से उसे ब्लेंड किया यहाँ पे जब लाइट पड़ेगी बीट नेचुरल और आर्टिफिशियल मेरे फेस पे वो रिफ्लेक्ट एक्शन दिखेगा वो सटल डुईनेस और ग्लोइनेस दिखेगा चीक बोन्स को हाईलाइट करने के लिए मैंने रिंग फिंगर से हाईलाइटर को पिक किया एंड आई डैबिंग दैट प्रोडक्ट आई फील लाइक ऐसे में ना और नेचुरल लगता है ऑन द स्किन और क्योंकि मैंने अपने फेस को ऑलरेडी सेट कर दिया उसके ऊपर हाईलाइटर अप्लाई करो तो और अच्छा लगता है एंड एंड नाउ आई बी यूजिंग वेट वाइल्ड लिप लाइनर इन द शेड दिस इज अ ब्राउन न्यूड कलर मैंने काफी बार दिखाया है ये वाला लिप लाइनर अपने चैनल पे आई नो दैट बट वेन एवर आई क्रिएट सच काइंड ऑफ लाइक न्यूड नो मेकअप

pretty soon with a brand new content on this channel bye everyone take care